वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बादाम से हमें कई फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन्स और कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें फैट भी होता है, बट वो अनसैचुरेटेड होता है, जिसकी वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है तो, और वेट लॉस भी होता है। तो आज हम बनाएंगे इसे वीगन बादाम मिल्क, जिससे हम कई सारी हेल्दी रेसिपी भी बना सकते हैं। वीगन आलमंड मिल्क बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं 1 कप जितने। उसको पूरी रात के लिए मैंने सोक कर दिया था पानी में। आप चाहो तो 6 से 7 घंटे के लिए इसको सोक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम अच्छे से वॉश करेंगे। यहाँ पर रनिंग टैप वाटर से मैं इसको वॉश कर रही हूँ। इसके ऊपर एक पतली लेयर होती है जो फैट होती है, इसलिए कभी भी नट्स को रात भर सोक करके और उसको वॉश करके ही खाएं। ये देखिए बहुत अच्छे से वॉश हो गए हमारे आलमंड्स। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो आप एक ग्राइंडर ले लीजिए, उसमें ये सारे बादाम डाल दीजिए और इसमें लगभग 4 कप जितना मैं पानी डालूंगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पतला दूध बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा गाढ़ा ही रहे तो आप इसमें 2 कप जितना पानी भी डाल सकते हो। और इसको हम एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको मैं छान लूंगी। तो आप डायरेक्ट छलनी से मत छानिएगा, नहीं तो उसके कुछ कण है वो मिक्स हो जाते हैं या फिर उसमें वो मुंह में आएंगे बाद में। इसके लिए यहाँ पर मैंने नट मिल्क क्लॉथ लिया है, आप चाहो तो मसलिन क्लॉथ ले सकते हो। और उसको एकदम अच्छे से छान लीजिए। तो ये सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है और इसको एकदम अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे, तो ये दूध सारा सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा जो बादाम है उसका कई सारा कंटेंट रह गया है पीछे, तो इसको हम ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं सब्जियों की, या फिर आप शुगर मिला के या फिर जैगरी मिला के स्वीट बना सकते हो, या पराठा स्टफ करके मसाले डाल के इसे पराठा बना के भी खा सकते हो। तो हमारा आलमंड मिल्क एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाइए वीगन आलमंड मिल्क, और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनती है। तो रिसेंटली मेरी एक और रेसिपी आने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।